हेलो गाइस, जैसा कि मैं बोल रहा था कि कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि करियर पहले अचीव कर लेंगे, एक हायर पोजीशन ले लेंगे, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद प्रेम लव स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जो जैसा भी आप हैं, जिस भी हाल में हैं, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप प्रेम करियर पाने से पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो रेजिस्टेंस का काम करेगी जिससे आप प्रेम करते हो या जिससे प्रेम करते हो आप। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे भी हाल में हो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जिस भी हाल में हो, मतलब जिसे आप प्रेम करोगे वो भी आपको मतलब हेल्प करती है आपको एक ऊंचाई तक ले जाने में। तो ये बात है, मतलब सपोर्टिव नेचर का सामने वाला व्यक्ति हो जब आप प्रेम करते हो। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, जो भी मुकाम पाना चाहते हैं, जो भी आयाम पाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सपोर्टिव मिलेगा, जिससे मतलब सामने वाला व्यक्ति आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जिसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं है, अपोजिट जो भी आपका प्रेमी है तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपको नए मुकाम पाने के लिए। तो इसलिए ऐसा ना सोचे कि हम करियर पाने से पहले अगर हम प्रेम करते हैं तो मैं करियर पाने में असमर्थ हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सफल इंसान आप देखे होंगे वो लोग कहीं ना कहीं प्रेम एक माने एज में होता है, जिसमें एज में आपको सामने वाला व्यक्ति भी आपको काफ़ी मोटिवेट करता है उस चीज़ को पाने के लिए, जिस चीज़ के लिए आप जद्दोजहद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है, तो मैं यही अपना तरफ से कहूँगा कि जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज़ के लिए आप लक्ष्य रखे हैं, तो उस चीज़ में आप सफलता पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट खुद से होना पड़ेगा। और सामने वाले व्यक्ति से भी अगर प्रेम करते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगी, मतलब हेल्प करेगी। बहुत सारे लोग हम देखे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बातों पे गौर जरूर करें, क्योंकि आप जब प्रेम करते हो तो आपको पढ़ाई में एक सपोर्टिव नेचर का सामने वाला व्यक्ति आपको हेल्प करता है। मतलब वो भी ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप प्रेम करते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम जिससे प्रेम करें वो एक काबिल इंसान हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़की से या लड़का से प्रेम कर लें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़की हो या लड़का, मैं इन दोनों के बारे में मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ एडवाइस दे रहा हूँ। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ज़रूर हमारी बात पे गौर करें और इस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करें, ज़रूर आप सफलता होंगे। ठीक है, यही आप लोगों को मैसेज हम देना चाह रहे थे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।